हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बीपी स्मार्ट क्लासेस में। आज क्लास 9th की एक्सरसाइज 2C को हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक जो है मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें पड़ी हुई है। यदि आप जो है बीपी स्मार्ट क्लास सर्च करेंगे मिल जाएगी, ठीक है, पार्ट 1। अब ये पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, देखिएगा किताब में क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपको। पी एक्स बराबर दे रखा है x^4+1 और जी एक्स बराबर दे रखा है x+1। तो x+1 जी एक्स हमें क्या इसमें भाग देना, और भाग दे के ये पता करना कि ये गुणनखंड है या नहीं। अगर क्या शेषफल शून्य आ जाता है तो गुणनखंड होगा, और शेषफल शून्य नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होगा। बस ये हमें पता करना, भाग देना पहले, ठीक है। शेषफल हमें पता करना, शेषफल शून्य आ जाता तो गुणनखंड है, शेषफल शून्य नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। चलो हम करके देखते हैं क्या आता है या नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है, x^4+1 और जी एक्स बराबर दे रखा है x+1। चलो करते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले बच्चों x+1 का भाग दे देंगे, किसमें, x^4+1। भाग देते समय सर्वप्रथम हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x^4 है, यानी कि x^4 को हमें काट देना है, यानी ख़त्म करना है। किस से करना है, इस x से करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, घटाएंगे घात, भाग में घात है, यहाँ पे 1 है, घात घटाएंगे तो कितनी बचेंगे, x^3 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे x^3, x^3 का गुणा इसमें कर देंगे बच्चों, x^4 आ जाएगा। x^3 का ही गुणा 1 में कर देंगे बच्चों, x^3 का गुणा x में करेंगे, x^3 का, तो 1 x^3 आ जाएगा। घटाएंगे तो माइनस का, ये माइनस का, इससे ये कैंसिल का, माइनस का क्या हो जाएगा x³, और प्लस का बच्चों हो जाएगा 1। अब हमें माइनस के, किसके, माइनस के x³ को ख़त्म करना, किस से ख़त्म करना, x से ख़त्म करना है, तो x से करना है, यानी कि इस पे घात 1, भाग में घात घटा देंगे, 1 घात 3 में से घटा देंगे, तो माइनस का x² बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का x², तो माइनस का x² यहाँ रख देंगे। माइनस के x² का गुणा x में कर देंगे बच्चों, माइनस के x^3 हो जाएगा, और माइनस का ही गुणा 1 में करोगे तो माइनस का 1 x², 1 नहीं लिखा जाता, ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा x² में करेंगे तो 1 x² आएगा, तो लिखा नहीं जाता। अब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे x², और यहाँ प्लस का क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब बच्चों हमें x² को काटना, किसको, x² को काटना है, किस से काटना है, इस x से काटना है। तो भाग में घातें घटती हैं, इस पे घात 1 है, 2 में तो 1 घात घट जाएगी, क्या बचेगा, 1 x बचेगा, तो यही 1 x रख दिया, किसका है, ये किसी का नहीं, कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस का रख देंगे, तो x गुणा इसमें कर देंगे, x² आ जाएगा, x गुणा 1 में करेंगे 1 x आएगा, कितना आएगा, 1 x का गुणा 1 का गुणा x में करेंगे 1 x, 1 नहीं लिखा जाता है। घटाएंगे माइनस का, माइनस का ये कैंसिल हो गया, माइनस का क्या बचा, x बचा, और प्लस का कितना बचा, 1। अब बच्चों हमें माइनस के x को काटना, किस से काटना, ये समझना, x से काटना, जिससे भाग दिया जाता उसी से काट देना है। तो बच्चों x से x कट जाएगा, कितना बार जाएगा, 1 बार, माइनस के 1 बार, ठीक है, तो माइनस का 1 रख दो यहाँ पर, और 1 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, तो माइनस का x, 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 × 1 माइनस का, ठीक है, घटाएंगे ये प्लस का, ये प्लस का, माइनस 1 का गुणा देखो 1 में किया, तभी तो माइनस 1 का आएगा, 1 × 1 माइनस का, ठीक है, और घटाएंगे तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों ये कट जाएगा, और इससे यहाँ पर देखो 1 प्लस का, ये भी प्लस का, कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो गया, शेषफल हो गया बच्चों, क्या हो गया, शेषफल। क्या यहाँ पर शेषफल शून्य आया, शेषफल शून्य नहीं आया, और शेषफल शून्य नहीं आया तो ये गुणनखंड नहीं है, ये क्या है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ये गुणनखंड नहीं है, बस यही करना था बच्चों। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये भागफल निकल के आ गया, क्या, भागफल। इसी प्रकार से हम बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला 9th वाला करेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो 9th वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर दे रखा है x^5 और +5x³+3x² + 5x + 3 और जी एक्स बराबर क्या दिया गया बच्चों,
जी एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और प्लस का 2 दिया गया। ठीक है बच्चों, अब जी एक्स का ही भाग हमें किस में देना, पी एक्स में देना है। चलो इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये लिख दिया मैंने क्वेश्चन, अब इसको कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो जी एक्स, जी एक्स पहले देखा ये क्रम से लिखा, हाँ ये 5 है, फिर उसके बाद 3 आ रही, 2 घात आ रही, फिर 1 घात आ रही, यानी कि रूप बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलो करते हैं, तो जी एक्स कितना दे रखा है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 2 में भाग दे देना है, एक्स पे पावर 5 प्लस 5 एक्स पे पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3। तो बच्चों सर्वप्रथम हम किसको काटेंगे, x पे घात 5 को काटेंगे, किसको काटेंगे, x पे घात 5 को काटेंगे। चलो x पे घात 5 को काटना है, किसको, 5 को, किससे काटना है बच्चों, किससे काटना है, x पे घात 2 से। तो घात भाग में घातें घटती हैं, 5 में से 2 घात घटा देंगे तो x पे घात कितनी बचेंगी, 3। तो यही यहाँ पर लिख दो, x पे घात 3, x पे घात 3 का गुणा आप इसमें कर देंगे तो x पे घात 5, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 और 2 कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। अब x पे घात 3 का गुणा 4 में करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 4 एक्स बघात 3 और 1 ही गुणा में घात जुड़ गई तो कितनी हो गई, 4 हो गई। एक्स बघात 3 का गुणा 2 में कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 2 एक्स बघात 3 हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें किया ना एक्स पे पावर 3 का, तो एक्स बघात 3। घटाएंगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इससे ये कैंसिल होगा। अब ध्यान देखो बच्चों, यहाँ पर x पे घात 4 है, क्या ऊपर कहीं है, नहीं है ना, ये सबसे बड़ी घात है, तो इसको पहले उतार लेंगे क्योंकि है ही नहीं ऊपर, तो x पे घात 4 ये उतार लिया मैंने। अब यहाँ पर 5 x पे घात 3 है, वो किसके हैं, प्लस के, और यहाँ माइनस के 2 x पे घात 3 है, अलग अलग चिन्ह बच्चों घट जाएंगे। 5 x घात 3 में से 5 x पे घात 3 में से 2 x पे घात 3 घटा दें तो 3 x पे घात 3 बच जाएंगे। अब किसके बचेंगे, प्लस के, क्यों, क्योंकि 5 बड़े हैं, वो किसके हैं, प्लस के। अब उतार लो, प्लस का 3 एक्स स्क्वायर को उतारा और प्लस के कितने उतारे, 5 एक्स को उतारा, प्लस के 3 को उतार लिया। अब सर्वप्रथम बच्चों हमें किसको काटना होगा, ये माइनस के 4 एक्स पे घात 4 को काटना, किस से काटना, एक्स स्क्वायर से, भाग में घातें घटती हैं बच्चों, 2 घातें घटा देंगे तो कितनी घातें बचेंगी, 2 बचेंगी ना, तो कितनी बचेंगी, 2, यानी कि माइनस के 4 एक्स पे घात 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया, माइनस के 4 एक्स पे घात 2, 4 एक्स पे घात 2 का इसमें गुणा कर देंगे बच्चों, माइनस के 4 एक्स पे घात 4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 और 2 कितने हो गए, 4, गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब माइनस का गुणा प्लस में कर देंगे बच्चों, माइनस का और 4 का गुणा 4 में कर देंगे, 4 चौका 16, 1 घात जय है, 2 जय है, कितनी होगी, 3 होगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब माइनस का गुणा 2 में कर देंगे प्लस में, तो माइनस का आ जाएगा 4 दूना 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8 एक्स पे घात 2, घटाओ बच्चों। अब ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 16 एक्स पे घात 3 है और ऊपर 3 एक्स पे घात 3, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, यानी 16 एक्स पे पावर 3 में 3 एक्स पे पावर 3 जोड़ दो तो 16 और 3 कितने हो गए, 19 एक्स पे पावर 3, 19 एक्स पे पावर 3। अब क्या करोगे बच्चों, 8 एक्स स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ 3 एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 8 और 3 कितने हो गए, 11 एक्स स्क्वायर हो गए और प्लस के 5 एक्स हो गए और प्लस के कितने हो गए, 3 हो गए। अब क्या करोगे, देखो सर्वप्रथम किसको काटना है हमें, 19 एक्स पे पावर 3 को काटना, किस से, एक्स स्क्वायर से, भाग में घाते घटे हैं तो कितनी, 1 बचे घाते, यानी कि 19 एक्स बचे, एक घात जब लिखी जाए तो यहाँ पर लिख दो, क्या लिख दो, 19 प्लस के 19 एक्स, ठीक है, 19 एक्स को गुणा एक्स स्क्वायर में करेगा तो 19 एक्स पे घात 3 आ जाए बच्चों। अब 19 एक्स को गुणा 4 में करो तो कितने हो जाए, 19 चौकू कितने होते हैं, 19 दूनी 38, 19 चौकू 76, ठीक है, तो 76 एक्स, एक घात और एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स कितना हो गया, एक घात इसमें तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब 19 दूना कितना हो जाता, 38 एक्स हो जाएगा, घटाएंगे बच्चों, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 76 एक्स स्क्वायर है वो माइनस के, ये प्लस के, तो घटाएंगे बच्चों, 76 बड़ा है ना, तो 76 में से 11 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 5, और 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 1 गया 6, यानी कि माइनस के 65 एक्स स्क्वायर बचा बच्चों। अब माइनस का 38 एक्स है और प्लस के 5 एक्स, 38 में से 5 घटाओगे बच्चों, माइनस के 33
एक्स बचा और प्लस के कितने बचे यहाँ पर 33। अब बच्चों ध्यान दो, हमें अब किसको काटना, माइनस के बच्चों, माइनस के 65 एक्स स्क्वायर को काटना है। किस से काटना है, एक्स स्क्वायर से काटना है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा क्या बचा, माइनस का 65 बचा। तो यहाँ पर क्या लिख दो, माइनस के 65 लिख दो, माइनस के 65 का गुणा। अब बच्चों एक्स स्क्वायर में कर देंगे, माइनस का 65 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस के 65 का गुणा 4 में कर देंगे तो 65 चौका कितना होता है, यहाँ पर देखो गुणा कर लो, 65 चौका 4 पंजा 20, 4 पंजे 20, वहाँ से लगे 2, 6 चौके 24 और 2 कितना हो गया 26, 260 हो गया, कितना हो गया 260। माइनस के 4x में गुणा करोगे तो माइनस का 260x हो जाएगा बच्चों। 65 का गुणा 2 में कर दोगे, 65 दूना 70 माइनस के, ठीक है, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा, वो सॉरी 70 नहीं 130 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 130। तो घटाएंगे बच्चों, तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये कैंसिल हो गया, 260 प्लस का है, 260 में से 33 घटाएंगे, 260 में से कितने घटाएंगे 33 घटाएंगे, 7 बचा 5, में से 3 जाएगा 2 और 227, यानी कि 227 एक्स प्लस का, 130 ये भी प्लस के, ये भी प्लस के, तो कितने हो गए प्लस के 133 हो गए। क्या बच्चों यहाँ पर शेषफल, क्या यहाँ पर शेषफल, शेषफल क्या शून्य आया, नहीं आया, तो शेषफल नहीं आया तो क्या ये गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड नहीं है बच्चों, क्या है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये आपका शेषफल आ गया यहाँ पर, ये वाला ये शेषफल आ गया, और ये आपका क्या आ गया, भागफल आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा वाला, अगला क्वेश्चन हमारा ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10th, क्या है बच्चों, बाई पे घात 3 प्लस बाई स्क्वायर माइनस का 2y और प्लस का 1। इसका बच्चों इसको भी हमें सॉल्व करना है और जी एक्स से भाग देना बाई प्लस 3 में, तो बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, इसको भी देखेंगे कैसे करेंगे, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 वाला क्या है, पी एक्स बराबर दे रखा है आपको बाई पे घात 3 प्लस बाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस का 1, और जी एक्स बराबर दे रखा है आपको बाई प्लस का 3 दे रखा है। चलो भाग देते हैं इसका भी, ठीक है, तो बाई प्लस 3 का यानी कि जी एक्स का भाग दे देना हमें किसमें, बाई पे घात 3 प्लस बाई स्क्वायर माइनस के 2y और प्लस के 1 में बच्चों देना भाग, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमें किसको, बाई से हमें क्या, बाई पे पावर 3 को ख़त्म करना, बाई पे पावर 3 को किससे, से बाई से कटना, तो भाग में घातें घटती हैं तो कितनी बचेंगी, दो घातें बचेंगी, यानी बाई घात 2, बाई घात 2 का गुणा बाई में करेंगे, बाई पे घात 3, बाई पे घात 2 का गुणा 3 में कर देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 3 बाई स्क्वायर हो जाएगा, 3 का गुणा बाई स्क्वायर में किया ना, 3 बाई स्क्वायर घटाएंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, इससे ये कैंसिल, माइनस के 3 बाई स्क्वायर जब कितनी 1 बाई स्क्वायर है, 3 बाई स्क्वायर में था 1 बाई स्क्वायर घटी कितने बचे, बोलो बोलो 2 बचे बच्चों, कितने बचे 2 बचे, माइनस के बचेंगे क्योंकि 3 बड़े हैं, वो किसके हैं, माइनस के थे इसलिए माइनस के बचेंगे। अब माइनस का 2 बाई उतार लिया और प्लस का कितना उतार लिया, 1 उतार लिया बच्चों। अब माइनस के 2 बाई स्क्वायर को काटना बच्चों, किसको काटना, माइनस के 2 बाई स्क्वायर को काटना, किस से काटना, बाई से काटना है, तो बच्चों बाई में 1 घात है, घात घटे 2 में तो 1 घात घटी कितनी बचे थे, 1 बची, यानी कि माइनस के घात बची 1, यानी कि माइनस की 1 बाई, 1 नहीं लिखे आया तो माइनस के 2 आई, यहाँ लिख दो माइनस के 2 आई, माइनस को गुणा जहाँ में करे बच्चों, माइनस को यह 2 है, बाई पे घात 1 है, जब 1 है गुणा में घात जुड़ती है तो कितनी हुई 2 है। अब माइनस को गुणा जहाँ में करे प्लस में तो माइनस के 3 दूनी कितने हो जाए 6, 3 दूनी 6 बाई हो जाए, ठीक है। अब क्या करोगे, घटाओगे तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये कैंसिल, 6 बाई है प्लस के, ये माइनस के 2 बाई, 6 बाई में से 2 बाई घट जाए बच्चों, 4 बाई बचे हैं और प्लस की कितनी बची है 1 बचे है, प्लस की कितनी बची गई 1। अब हमें किसको काटना है, 4 बाई को काटना है बच्चों, 4 बाई को, अब किससे काटना है, बाई से काटना है, तो बटे बाई, बाई से बाई कटेगी कितने बच गए, केवल 4 बच गए, तो यहाँ प्लस के क्या लिख दो, प्लस के लिख दो 4, 4 को गुणा बाई में करो तो कहते हो ये 4 बाई, और 4 को गुणा 3 में करो 3 चौका 12, घटाओगे बच्चों ये माइनस का और ये भी किसका, माइनस का, तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 12 में तो 1 घटे हो माइनस के 11, ये क्या आ गया, शेष पर आ गया, क्या आ गया, शेष पर, क्या शेष पर 0 आया, नहीं आया ना, शेष पर 0 नहीं आया, नहीं आया, ठीक है, शेष पर 0 नहीं आया, तो क्या ये गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है, गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों देखो क्या है, x बराबर 4 माइनस 81 और जी एक्स बराबर दे रखा है x माइनस 3। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, देखो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख दिया, इसका भी हमें क्या करना है, भाग ही देना है बच्चों, क्या करना है, भाग देना है। चलो देते हैं, भाग करते हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, जी एक्स यानी कि एक्स माइनस 3 का भाग हमें देना एक्स पे पावर 4 माइनस 81 में। तो सर्वप्रथम एक्स पावर 4 को हमें काट देना है, किस से काट देना, x से, एक घात है बच्चों, घटाएंगे तो कितनी बचेंगी, 3, 4 में से घाट घटाएंगे 3 बचेंगे, तो यहाँ पर एक्स पे पावर 3 लिख दिया, एक्स पावर 3 का गुणा x में करोगे एक्स पे पावर 4, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक्स पावर 3 का गुणा 3 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3 एक्स क्यू हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस के 3 एक्स क्यू। अब बच्चों घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस के कितने आ गए, 3 एक्स क्यू आ गया, माइनस का कितना आ गया, 81 आ गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो रफ्तार रही है हमारा, अब किसको काट देना, 3 एक्स पर पावर 3 को काट देना, किस से काट देना, इस एक्स से काट देना, ये एक्स लिखी है, एक्स से काट देना, इस पर घात कितनी बच्चों, एक होती है ना, 3 में तो एक घात घटा देंगे कितनी बचेगी, 2 बचेंगी, यानी कि 3 एक्स पर घात कितना बचेगा, 2 बचेगा, यही यहाँ लिख दो, 3 एक्स पे घात 2 और 3 एक्स पे घात 2 का गुणा बच्चों x में कर देंगे, 2 घात वो है, 1 घात ये, तो टोटल कितनी होंगी बच्चों, x पे घात 3 हो गई। अब 3 का गुणा 3 में कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ प्लस का गुणा माइनस में करोगे बच्चों, माइनस आ जाएगा, घटाएंगे बच्चों, ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 एक्स स्क्वायर उतार लिया प्लस का और माइनस का 81। अब क्या बच्चों देखो, माइनस वो प्लस के 9 एक्स स्क्वायर को काट देना, किस से काट देना, एक्स से काट देना, घात घटाएंगे बच्चों, एक घात घटाएंगे, 9 ही तो एक्स बचेगा, 9 एक्स, तो यहाँ लिख दिया मैंने 9 एक्स, 9 एक्स का गुणा एक्स में किया तो 9 एक्स स्क्वायर, 9 एक्स का गुणा 3 में करोगे 9 तीन कितना होता है, 27 एक्स हो जाएगा, क्या होता हो जाएगा, 27 एक्स, और माइनस का हो जाएगा कितना, माइनस का घटाएंगे, माइनस का क्यों हो गया, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस में करेंगे बच्चों, माइनस का हो गया, घटाएंगे तो ये माइनस का और ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये कैंसिल हो गया। अब ये 27 एक्स को मैंने लिख दिया यहाँ पर और माइनस के 81 नोट कर लिया। अब 27 एक्स को काट देना है, 27 एक्स को काट देना, किस से काट देना बच्चों, ये लिखी है एक्स, इसी एक्स से काटना, एक्स एक्स कट गया कितना बचा, 27 बचा बच्चों, यहाँ पर लिख दो 27, 27 का गुणा एक्स में कर दोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 27 एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 एक्स, 27 का गुणा 3 में कर दोगे, माइनस के 27 या कितना होता है, 81 हो जाएगा, ठीक है। अगर घटाएंगे तो ये बच्चों माइनस का और ये प्लस का, ये कैसे जाएगा, 81 में से 81 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0, यानी कि बच्चों शेषफल हमारा जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये गुणनखंड क्या है, गुणनखंड, गुणनखंड है, ठीक है, ये गुणनखंड है, क्या समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आगे वाला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 तक तो बच्चों कर चुके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है जो है, क्वेश्चन नंबर 12 एक्स पे पावर 3, एक्स पे पावर 3 माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का ए दे रखा, को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है, क्या एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो शेषफल ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है बच्चों, शेषफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो देखो क्वेश्चन मैंने लिख लिया पहले से ही, क्या है यहाँ पे देखो, ये लिखा क्वेश्चन क्या है, शेषफल ज्ञात करना है बच्चों, हमें क्या करना है, शेषफल ज्ञात, और सवाल हमारा क्या दे रखा है, एक्स का पावर 3 दे रखा है और ए एक्स स्क्वायर प्लस के 6x और माइनस का ए को भाग देना हमें एक्स माइनस ए से, ये गुणनखंड है। तो कैसे करेंगे सॉल्व बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा इसी से जिससे भाग देना वो भी मैंने लिख लिया एक्स माइनस ए, ये हमारा दिया गया ना, बराबर लिख लेंगे बच्चों, क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, तो पश्चांतर कर लेंगे, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हमें पता चला कि x का जो मान है वो हमारा कितना, ए है, जो मान निकला है, जो मान निकला है वो ही हम इसमें रख देंगे, समीकरण में रख देंगे। तो हम लिखा कि x का मान समीकरण में रख दिया, किस में रख दिया, समीकरण में रखने पर तभी हमारा शेषफल निकाल पाएंगे। तो समीकरण में रखा, किस में रखा, ये समीकरण हमारा दे रखा है, क्या समीकरण है, समीकरण देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर, समीकरण है हमारा एक्स पे पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का ए बराबर ले लिया 0, क्योंकि मान निकाल रहा हमें। तो यहाँ रखा मैंने क्या, एक्स के स्थान पर क्या रखना, ए, तो ए पे घात 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का ए लिख दिया, और इंटू एक्स के स्थान पर भी क्या लिखना, ए, घात 2 है तो 2 चढ़ा दी, प्लस के 6, एक्स के स्थान पर क्या रखना, ए माइनस ए बराबर कितना, 0।
तो ए पे घात 3 माइनस ए स्क्वायर और एक है गुणा में घातें जुड़ती हैं, दो ये दो घात हैं और एक घात कितनी होगी, 3 होगी, यानी कि ए पे घात 3 प्लस के 6 ए माइनस का ए बराबर में कितना 0। अब बच्चों ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस का ये प्लस का। अब 6 ए में तो एक ए गई बच्चों, कितना बचेगा, 6 ए में से एक ए घटाया तो कितना बचा, 5 ए बचा, बराबर में कितना है 0 बचा, ठीक है 0। ठीक है बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना था, शेषफल ज्ञात करना था, तो देखिए शेषफल ही तो ज्ञात करना था हमें, शेषफल तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, 5 ए हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल बच्चों हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 5 ए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये 0 लिखना चाहो लिख देना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। ये हमारा हमें शेषफल ज्ञात करने को कहा गया था, शेषफल अगर मान निकालने को आता तो 0 लिख देते, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखेंगे, 13 हमारा क्वेश्चन क्या है, 13 वाला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है लिखा हुआ है, x माइनस 1 कॉमा 4x पे पावर 3 प्लस 3x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, ये गुणनखंड है तो इसलिए हमें k का मान ज्ञात करना। जैसे ही सवाल किया था मैंने 12 वाला, वैसे ही इसमें ये भी किया जाएगा। क्वेश्चन 13 बच्चों मैंने लिख लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है। अब इसमें हमें k का मान निकालना, क्या निकालना बच्चों, k का मान निकाल देना। तो क्या करोगे, ये गुणनखंड है ना हमारा x माइनस 1 है, x माइनस 1 ये क्या गुणनखंड, तो बराबर 0 ले लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ, तो यहाँ से फिर पश्चांत कर लिया, तो यानी कि x का मान जो हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया, 1। अब जो x का मान निकला वो समीकरण में रख दो, k का मान निकल के आ जाएगा, तो लिख देते हैं हम क्या, x का मान, किसका, x का मान समीकरण, समीकरण किस में रख दें, समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर जो हमारा बहुपद होता है उसी को समीकरण में रखने पर, ठीक है। समीकरण कितना दे रखा, 4x का पावर 3 प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के दे रखा है, बराबर क्या ले लेता हूँ, 0, क्योंकि मान निकालना हमें, तो 4, अब जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो यहाँ x रखा हुआ है, x के स्थान पर 1 पे पावर 3 प्लस 3, x के स्थान पर 1 पे पावर 2 माइनस 4 इंटू x के स्थान पर 1 प्लस के बराबर 0, तो 4 1 पे पावर 3 का मतलब 1, क्यों, 1 का घन करोगे कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, जैसे कि 1 पे पावर 3 है, तो इसको 1 गुणा 1 गुणा 1 ही तो लिखोगे, गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 कितने, 3 बार 1 एक 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 बराबर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो 1 लिख दिया, प्लस का 1 कवर करोगे तो भी 1 आ जाएगा, माइनस के 4 एकन 4 प्लस का के, ठीक है, तो 4 एकन 4 प्लस 3 एकन 3 माइनस के 4 प्लस का के, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बराबर में 0 चल रहा है, कितना चल रहा है, 0 चल रहा है, यानी कि 3 प्लस का कितना बचा, के बराबर 0, 3 को पश्चांतर कर देंगे, के बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। ये आपका के का मान निकालना था, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों ये वाला हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, जांच कीजिए कि बहुपद क्यू टी बराबर दे रखा है आपको 4t पे पावर 3 प्लस 4t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 कॉमा फिर लिखा 2t प्लस 1, यानी कि 2t प्लस 1 से हमें इसमें भाग दे देना है और ये पता करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। यदि शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंड होगा बच्चों, शेषफल शून्य नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर इसी सेकंड वाला, इसमें भी क्या लिखा, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x कॉमा 3x पे पावर 3 प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। तो इसमें भी बच्चों हमें क्या करना है, पहले हमें ये चेक करना, भाग दे देना, फिर उसके बाद अगर शेषफल शून्य आता तो गुणनखंड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला बच्चों सवाल इसे मैंने पीछे करवा चुका हूँ, तो आप कोशिश करिएगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, तो अगले वीडियो में मैं ये क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, 15वां क्वेश्चन देखिएगा बच्चों क्या लिखा हुआ है, कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है बच्चों, मान ज्ञात करना, फिर दे रखा x बराबर 0, क्या दे रखा है, x बराबर 0, x बराबर माइनस 1 और x बराबर दे रखा है 3, पर इस पर मान निकालना है। तो बच्चों तो क्या है, हम ये मान रख देंगे समीकरण में, किस में रख देंगे, बहुपद में, इस बहुपद में रख देंगे और फिर जो है हमारा मान निकल के आएगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने नोट कर लिया बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर नोट कर लिया। अब हमें तीनों का क्रम से बारी बारी जो है मान निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, पहला वाला, ठीक है।
तो हमें बहुपद क्या दिया गया, बहुपद मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, बहुपद दे रखा है 5x-4x² + 3। तो फर्स्ट का मान निकाले, x बराबर क्या दिया गया, 0 दिया गया। तो जहाँ x लिखा इसका नाम देना चाहो तो समीकरण लिख दे दो, जहाँ जहाँ x रखा वहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। लिख लो, क्या लिखोगे, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर किस में, समीकरण में, समीकरण में रखने पर। तो समीकरण में रखेंगे, समीकरण हमारा कितना 5, एक्स के स्थान पर क्या रख दोगे, 0 रख दोगे बच्चों, -4, एक्स के स्थान पर क्या रख दोगे, 0 पे पावर 2 है, और प्लस के 3, 0 गुणा करो 0 हो जाए, हम 0 को बार करो 0, गुणा करोगे 4 में 0, प्लस का कितना बचेगा 3, यानी कि मान इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब सेकेंड वाला यहीं देख लो, सेकेंड वाला मैं दिखाता हूँ, सेकेंड वाला क्या, सेकेंड वाला एक्स बराबर -1 है, तो लिख देंगे कि x का मान, किसका, x का मान किस में रखना है, समीकरण में रखने पर। समीकरण हमारा कौन सा है देखिएगा, समीकरण हमारा कौन सा है, 5x-4x² + का कितना है, 3 है। तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा है, यहाँ लिखा, वहाँ पर हमें क्या रख देना, -1 रख देना, क्योंकि -1 रखेंगे, मान रखेंगे। तो रखा मैंने x का मान कितना, -1, फिर माइनस का 4 इंटू -1 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, प्लस का 3, 5 × 5 किसका, माइनस के 4, -1 का वर्ग कर देंगे बच्चों, 1 आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो यानी कि 4 × 1 + 3, तो -5 × 4 = 4, और प्लस का कितना हो जाएगा 3, -5 और -4 कितने हो गए, -9 + 3 घटा देंगे बच्चों, -6, आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो -1 का वर्ग बच्चों प्लस का वन होता है, कैसे, -1 पे वर्ग ही तो लगा हुआ, इसको तोड़ के लिखोगे, -1 × -1 लिखोगे, 1 × 1 होता, -1 × -1 में कर देंगे, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बच्चों, ठीक। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बच्चों, एक्स बराबर 2 दे रखा है, तो x बराबर 2 हम इस बहुपद में रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे, क्या मान निकलेगा, ये हमें मान निकालना है। तो लिखेंगे थर्ड वाला क्या है, x बराबर 2, तो हम लिख देंगे x का मान, x का मान किसमें रख दें, समीकरण में रखने पर, x का मान किसमें रख देंगे, समीकरण में रखने पर, रखने पर। चलो, तो समीकरण हमारा कौन सा है, समीकरण हमारा कौन सा है, समीकरण हमारा देखो क्या है, 5x-4x² + 3 है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 5x-4x² + 3। तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है, जहाँ x लिखा वहाँ हमें क्या रखना है, 2 रख देना है। तो x रखा यहाँ 2 रख देंगे, 4 रखा यहाँ, x रखा यहाँ भी 2 रख देंगे, यहाँ पे वर्ग लगा देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। तो अब 5 × 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 10, -4, 2 का वर्ग कर दो बच्चों, 2 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, -4 × 4 कितने हो जाएंगे, 16 + 3। तो 16 × 10 माइनस के कितने हैं, 16, माइनस के 16 हैं, और 16 में से 3 घटा देंगे बच्चों, माइनस का कितना बचेगा, 13, और 10 में से 13 घटा दोगे, माइनस का कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज इतना काफ़ी है, आपको जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए, उसके बाद अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 में दूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।